अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, एंड आज की वीडियो का टाइटल है हजरत मोहम्मद और जिन का वाक्य। तो वाक्य। भाई क्या वाक्य होगा प्रोफेट मोहम्मद और जिन का? तो या आज सुनते हैं, हमें अमेजिंग सा वाक्य है ये, तो इसको सुनते हैं और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और व्लॉग्स भी देखा करो, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो फ्री होते हो तो व्लॉग देख लिया करो। सुबह 8:30 बजे आ ही जाता है, नहीं तो 9 बजे आ जाता है, बट 8:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। सो इसको हम प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की मोहब्बत व उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबादात, हैवानात, हत्ता के जन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। बल्कि अभी हालिया ही हमने अपने चैनल दरवेश टीवी पर जिन्नात की शादियों, फोतगियों और रहन सहन के बारे में आपके साथ वाकयात शेयर किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाकया आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन था। ये अजीब वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, बल्कि एक ऐसे सहाबी जिनका अजीब व गरीब वाकया भी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जिन अभी हालिया ही हिंदुस्तान में अल्लाह वालों को मिले और इस जिन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की एक हदीस भी बयान की। आज मदारिस में इसी जिन सहाबी की बयान की हुई ये हदीस भी तलबा को पढ़ाई जाती है। सहाबी जिन की ये हदीस आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, जिन्नात का ये वाक़या मौज़ात की किताब जामेउल मौज़ात के सफ़ा नंबर 7 पर यूं बयान हुआ है कि मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था, जिसके पास एक सोने का बुत था जिस पर वो पूजा किया करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, माज़ल्ला, उनकी तस्दीक ना करना। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, माज़ल्ला। अब ये सब माजरा सुनकर लोग फौरन वलीद के घर आए तो देखा कि वाकई उसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। अब वो लोग भी बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तमा रखा गया ताकि उस दिन भी वो लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने। जब बड़ा इज्तमा हो गया तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को भी दावत दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम भी खुद तशरीफ लाकर बुत के मुँह से वही अल्फाज सुन जाएं। लिहाजा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और सहाबा भी तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आए तो बुत बोल उठा कि ए मक्का वालो, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उनका हर इरशाद सच्चा है और उनका दीन बरहक है। ए लोगो, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं बल्कि गुमराह और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो जहन्नुम में जाओगे। बस अकलमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत का ये मुकम्मल दर्स सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाजरीन, अब दिल थाम कर सुने। लोगों के इस इज्तमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्ज पोश था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम और मुसलमान हूँ।
जबलतूर में रहता हूँ। मेरा नाम मुहैन बिन अल अबर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ एक काफिर जिन जिसका नाम मसफर था, वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास कर गया है और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतल्लिक बकवास करे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा मैंने ही बोला है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सारा किस्सा उस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और इस अपने ग़ुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। बल्कि नाज़रीन, दौरे नबूवत में जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन। उस जिन का कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर कर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबवी में आए और लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं। तो उसने कहा कि हज़रत आदम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नो मखलूक से ज़्यादा थी और मैं जिनों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने उस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए लेकिन कोई ना खोल पाया। तब मैं हज़रत इब्राहिम के पास गया तो वो भी ना खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आई है, ऐ इब्राहिम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा कि वो कौन है जो खोल पाएगा? तो उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आज जाके मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके हाथ खुल गए और उसके गाल से खून आ रहा था, वो भी बंद हो गया और उसके कुव्वत भी वापस आ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आज़ाद हो। तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो हज़ारों साल बाद हक मिला है, अब मैं हक को छोड़ कर कहाँ जाऊँ? नाज़रीन, ये वाक़िया अल्लाह ही जानता है, लेकिन यह हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से ज़्यादा ताकत इंसानों को दी है, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। बल्कि हज़रत शाह अहले अल्लाह साहब, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहदीस देहलवी के भाई और बहुत बड़े आलिम व बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक मरतबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था।
ये वाक़िया हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार हज़रत शाह साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि एक सिपाही आया कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हज़रत शाह साहब फौरन उठे और उस सिपाही के साथ चल दिए। उस सिपाही आपको बजाय लाल किला ले जाने के दिल्ली से बाहर पहाड़ गंज की तरफ ले गया। वहां जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगा कि इस गार में दाखिल हो जाएं। जब शाह साहब उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और उनका बादशाह बैठा है। उसके दाएं जानेब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ है। एक मर्द और एक औरत वहां खड़े हैं। उन्होंने हजरत शाह साहब की तरफ इशारा करके कहा कि इस आदमी ने हमारे इस बेटे को कत्ल कर दिया है, हमें किसास दिलवाना चाहिए। हजरत अहलुल्लाह साहब समझ गए। आपने फरमाया तुम लोग मुझसे किसास नहीं ले सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी अगर उसको कोई शख्स गलत फहमी से मार डाले तो उस मारने वाले से किसास या खून बहा नहीं ले सकते। बादशाह ने उस जिन से जो उसके दाएं जाने बैठा था पूछा कि क्या ये हदीस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मालूम होता है कि वो जिन्नात सब मुसलमान थे। उसने कहा कि हाँ, ये हदीस शरीफ ही है। जब फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई थी तो मैं उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में था। मैंने अपने कानों से इस हदीस को सुना है। हजरत शाह अहलुल्लाह साहब फरमाते हैं कि बादशाह ने फिर मुझसे ये हदीस सुनकर मुझे रिहा कर दिया और मुझसे किसास नहीं लिया। मुझको अपने रिहा होने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इस सहाबी जिन के देखने से हुई। फिर शाह अहलुल्लाह साहब ने इन सहाबी जिन से वही हदीस सुनी और ताबी होकर वापस आए। मौलाना सैयद अहमद रजा बजनूरी साहब फरमाते हैं कि ये हदीस शरीफ हमें तिरमजी शरीफ के दर्स में हजरत अलामा मुहदिस अनवर शाह साहब ने सुनाई थी। उस जिन का नाम शाहो रश रजी अल्लाह तआला अन्हु था। नाजरीन, हजरत शाह अहलुल्लाह साहब जब वो अपने किसी दीनी काम या इबादत में मसरूफ थे उस वक्त एक सांप का बच्चा आया, उसको आपने मार दिया था। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी अगर उसको कोई गलती से मार डाले तो मारने वाले पर किसास नहीं। जैसे कोई अपनी असल शक्ल बदल कर सांप या कुत्ते की शक्ल में आ जाए। याद रहे कि बाज़ जिन्नात सांपों की शक्ल में रहते हैं। जैसा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की तीन किस्में हैं। एक तो वो जिन जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में नजर आते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो मंजिल पर उतरते और कूच कर जाते हैं। नाजरीन, आए अब मिलकर अल्लाह पाक से ये दुआ भी करते हैं कि ऐ अल्लाह जी, हमें जादू जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज फरमाए रखना। और जो लोग रूहानी सो गाइस, ये था वाक्या और वाक्या था हजरत मोहम्मद सा और जिन का, जो कि बहुत ही प्यारा सा वाक्या था। एक जिन था जिसको कि हजरत आदम से भी कई साल पहले खुदा ने पैदा करा था, लेकिन उसने इतना मतलब इतना दुख दर्द लोगों को देते तक उसके हाथ बांध दिए गए थे और कहा गया था कि कोई शख्स आएंगे जैसे हजरत मोहम्मद आएंगे वही तुम्हारे हाथ खोल पाएंगे और कोई भी खोल नहीं पाएगा। तो फाइनली उनको वो दिखे और उन्होंने कहा कि आज मेरा वो दिन आगे जब आप मेरे हाथ खोलोगे ना। सो ये था वाक्य। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद ने उसके हाथ खोले थे। हाँ। और कितने टाइम पहले उनके हाथ बंधे थे? हजरत आदम से भी 30,000 साल पहले, जब वो दुनिया में आए। सोचो भाई कितना लंबा टाइम था। हाँ। उसके बाद अभी तक मतलब कि समझ लो जब तक प्रोफेट मोहम्मद का दौर था इतने टाइम तक हाथ बंधे हुए थे उसके। yes. तो बाकी ये था वाक्य। और ऐसे ही वाक्य हम और ज्यादा ढूंढेंगे। हम पहले भी बनाते थे ना। yeah. लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप था। तो अब आप भी हमें सजेस्ट करते रहना कि प्रोफेट मोहम्मद और जो जो वाक्य होंगे वो हम भी रिएक्शन करते रहेंगे। yes. आप भी बता देना, बट एक शर्त पे कि आपको प्यार करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है। सो बाकी तो यही लगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।